हिंदू पंचांग या कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक महीने के छठवें दिन छठ पर्व मनाया जाता है। ये मुख्यतः सूर्य देव की इसमें उपासना की जाती है। और इसमें हमारे जो पुराण और ग्रंथ हैं, तीन चार कहानियां प्रचलित हैं कि क्यों छठ मनाया जाता है। पहली कहानी ये कहती है कि श्री राम जी जब सीता माता के साथ वनवास से वापस आए थे तो उन्होंने इस व्रत का पालन किया था। दूसरा यह कि सूर्य पुत्र कर्ण है वो घंटे पानी में अर्घ दिया करते थे सूर्यदेव को, तो ये दूसरी कहानी थी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कहानी है कि राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी का कोई संतान नहीं था तो इसे बहुत दुखी थे। तो एक बार महर्षि कश्यप उन्हें सलाह दी कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए। तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, उसके फलस्वरूप उनका पुत्र पैदा हुआ। लेकिन उनका दुर्भाग्य ये था कि उनका पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, राजा अपने पुत्र को लेकर शमशान घाट गए और खुद भी अपना देह त्याग करने वाले थे। तभी कहते हैं कि छठी मैया प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी सच्ची मन से प्रार्थना करोगे, उपासना करोगे, तो मैं आपकी सारी कामनाएं पूरी करूंगी। तो राजा ने उनकी सच्ची मन से उपासना की, पूजा की और उसे प्रसन्न होकर छठी मैया ने उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया।